सबसे बेहतरीन फैसला। गुंदूज भाईजान को वहां भेजना होगा। यही बेहतर होगा मेरे भाई। भाईजान, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। वो जो मांगेगा उसे दिया जाएगा, लेकिन जमीन के सिवा। रस्सी काफिरों के हाथ में है उस्मान साहब, वो बहुत कुछ चाहेंगे। मालो सर की कोई कीमत नहीं भाईजान, हम बस मुसीबत पर काबू पा लें। मालो सर तो फिर हासिल हो जाएगा। साउची भाई, बायोजा के कातिल को सजा दी जा चुकी है और उसका सबब भी जान चुके हैं, इसलिए अब इसकी कीमत वसूल की जाएगी। फिक्र मत कीजिए। मेरे अंदर की आग ठंडी होगी भाई, मेरे अंदर की आग ठंडी होगी, लेकिन जब चाचा को पनाह देने वाला निकोला भी मर जाएगा तब मेरे अंदर की आग ठंडी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं सिपाहियों के साथ सुरंगों से गुजरकर सोत में दाखिल होने में कामयाब हो गई। नक्शे में नजर आने वाली सुरंगें वो सब मौजूद हैं। पैतरोस की दुकान, गिरजाघर और दरगाह सब आपस में जुड़े हैं। मुझे एतराफ करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे खेलों से नफरत करता था निकोला, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी सियासी बसीरत से हम फतह हासिल करेंगे। सो तब हमारा है, उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा क्या मंसूबा है निकोला? गुंदू साहब आए हैं। तो मतलब ये कि उस्मान ने दुंदार साहब की बू को यहां से भी सूंघ लिया। आने दो। गुंदू साहब। दुंदार चचा कहां है? मैं कुछ समझा नहीं। खेल खेलना बंद करो तेगफूर। हम जानते हैं कि उस गद्दार ने यहां पनाह ली है। तुम मेरी बात गौर से सुनो, उन्हें हमारे हवाले कर दो, हमें दे दो। दुंदार साहब जैसा वफादार इत्तेहादी मैं तुम्हारे हवाले क्यों करूं? क्योंकि उनका अब तुम्हारे साथ काम खत्म। अब वो एक जवालशुदा साख वाले शख्स के अलावा कुछ नहीं है, बल्कि वो आइयों पर स्याह धब्बा है। उस्मान ने यकीनन कोई खूनी ख्वाब सोच रखा है, जैसा कि हर गद्दार के साथ हुआ। ठीक है गुंदू साहब, लेकिन इसके बदले आपकी पेशकश क्या है? तावान की रकम, 1000 सोने के सिक्के। तो बस इतनी ही कीमत है मेरी? लगता है गद्दार आ गया। देखो गद्दार आ गया। गद्दार आ क्यों नहीं?
उस्मान, भाईजान के साथ मिलकर जो सरजमीनें मैंने फतह की और उसका सुलूक मेरे साथ क्या रहा है, जैसे मैं कुछ भी नहीं, अपने हाथों से जो कुछ तामीर किया उसने वो सब खतरे में डाल दिया, कबीले पर कब्जा कर लिया, जो सरदारी का मेरा हक था मुझसे छीन लिया, चारों तरफ उसने हमारे दुश्मनों को लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी आंखें अभी भी बंद हैं गुंदूज, आंखें खोलो गुंदूज, कबीले में कोई गद्दार है तो वो मैं नहीं हूं, उस्मान है। चचा, जब मैं आपकी आंखों में देखता था तो मुझे अपने बाबा नजर आते थे, जब मैं आपके चेहरे को देखता था तो मुझे दादी हाइमा का खूबसूरत चेहरा नजर आता था। क्या किया ये आपने? बताएं मुझे, मुझे बताएं आपने ये सब क्यों किया? हमारी तमाम रिवायात और हमारे नसब को कैसे पामाल कर सकते हैं? आपने उन्हें पसे पुश्त कैसे डाल दिया? बताइए चचा जान, क्यों किया आपने ये सब? अपने नस्ल और अपनी रिवायात को मैंने अपने दिल में बाहिफाजत रखा है अल्लाह के हुक्म से। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो भतीजे, फिक्र ना करो तुम। अपने भाई अर्तुरुल गाजी की फतह करदा सरजमीनों पर गहातों को किसी तौर कब्जा करने नहीं दूंगा। उस्मान के वहशीपन की वजह से अपने सिपाहियों को मरने नहीं दूंगा मैं, याद रखना, नहीं मरने दूंगा। जबरदस्त, क्या बात है, बहुत खूब। और अब जब मैं आपके चेहरे को देखता हूं, अंधेरे में घिरी हुई आपकी इन आंखों को देखता हूं, जानते हैं मुझे क्या नजर आता है? सुनना चाहेंगे आप? बताओ। एक गद्दार इंसान जिसके लालच की वजह से हमारे कई सिपाहियों का खून उसके हाथों पर लगा हुआ है, एक हकीर गद्दार। बस बहुत हो गया, काफी है। जब मैं यूं सगे चचा भतीजा को एक दूसरे से नफरत करते देखता हूं मुझे बहुत तकलीफ होती है। कले के करीब ही मेरे सिपाही 1000 सोने के सिक्के लेकर तुम्हारे जवाब का इंतजार करेंगे। अच्छी तरह सोच लो, 1000 सिक्के, एक इशारे पर ये सब तुम्हारे हो सकते हैं। मुझे सखावत बहुत पसंद है। तुम्हारी पेशकश ने मुझे खुश किया, लेकिन दुंदार साहब मेरे मेहमान हैं, ये जब तक चाहें यहां रह सकते हैं। उस्मान साहब के पेश करदा सोने से दुंदार साहब और मैं जो इस सरजमीन पर लाना चाहते थे वो अमन नहीं खरीदा जा सकता। मुख्तसरन ये कि दुंदार साहब यहीं रहेंगे, उस्मान साहब को मेरा सलाम कहना। जिस दिन आप मरेंगे हम खुशी मनाएंगे। जिस दिन आप मरेंगे हम खुशी मनाएंगे, उस दिन चचा।
दुंदार साहब, आप जाकर आराम करें, जल्द ही आप अपना मकाम हासिल करेंगे और इन सरजमीनों पर अमन और सुकून आएगा। सोत अब हमारा हो जाएगा और दुंदार एक गद्दार से बढ़कर कुछ नहीं। उसकी कीमत एक सोने का सिक्का भी नहीं। उस्मान को उसका सर कलम करने दो। दुंदार के पास इस्तेमाल करने के लिए ना कोई ताकत है ना कोई साख। ये फैसला मेरा होगा, मेरा होगा। हेलेन, उमर साहब की तरफ जाओ और उन्हें कहो कि मैं उनसे तिजारत के सिलसिले में बात करना चाहता हूं। मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाए भाईजान। कहिए भाईजान, क्या आप चचा से मिले? उस गद्दार की आंखों में क्या देखा आपने? कहिए क्या देखा? मैं मिला था उनसे, मिला था मेरे भाई। उन्होंने एक फजूल सी बात पर यकीन कर लिया है। उन्हें लगता है कि वो हमें गेहतू से बचाना चाहते थे। वो गद्दारी की वजाहत करने की कोशिश करेंगे और निकोला ने तावान कबूल किया? नहीं किया। वो जरूर कोई और खेल खेलेगा। खेलेगा यकीनन। उसे समझने दे कि तावान के अलावा कोई चारा नहीं हमारे पास। खेल रचाने दे उसे। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है क्या? अले में अब तो हमारा कोई जासूस भी नहीं। हम चचा को कले से निकालेंगे, निकोला के पंजों से निकालकर उसे घसीट कर यहां लेकर आएंगे। उमर साहब, उस्मान ने हमारी तिजारत का सिलसिला तो रोक दिया, लेकिन वो आपके साथ हमारी दोस्ती नहीं रोक पाएगा। मुझे खुशी हुई। उस्मान का गुस्सा उसकी मायूसी की वजह से है, और जैसा कि मैंने कहा था कि आप जैसा सरदार ही उसको राह रास्त पर ला सकता है। इस बार उसका गुस्सा हद से ज्यादा है निकोला। उसे मालूम हो गया है कि कबीले में गद्दार उसके चचा हैं और दुंदार गायब है। कौन जाने कि वो किस बिल में छुपा है। उसने तिजारत और अम के इस गढ़ में आप ही की तरह पना ली है उमर साहब। कैसे? क्या वो यहां है? फिलहाल वो मेरे मेहमान हैं। बाकी तुर्क भी अपने सरदार उस्मान की तरह उनसे नफरत करते हैं। तो फिर नफरत खत्म कर दो, दुंदार लौटा दो उस्मान को। उमर साहब, मुझे आपकी जहानत पर किसी किस्म का कोई शक नहीं, लेकिन याद रखें, मैं भी हर फैसला सोच समझ कर करता हूं। उस्मान और अपने दरमियान तवील मुद्दत दुश्मनी के खात्मे के लिए कदम उठाना चाहता हूं, और इस तरह मैं आपको भी मजबूत करूंगा। तुम आखिर क्या सोच रहे हो निकोला? क्या ही बात होगी अगर उस्मान को ये गद्दार आप हवाले करें।
और इस तरह आपकी उस्मान के सामने साख बेहतर हो जाएगी उमर साहब। और क्या यह सिर्फ आपके लिए फायदेमंद होगा? नहीं, बल्कि तमाम सरदारान के लिए फायदेमंद होगा। और आपकी साख मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी उमर साहब। क्या चाहते हो बदले में तुम मुझसे? उस्मान ने मुझे 1,000 सोने के सिक्कों की पेशकश की, लेकिन अगर आप मुझे 10,000 सोने के सिक्के दें तो मैं दुंदार आपको दे दूंगा। इस तरह सोना मेरा, साख आपकी और खून उस्मान का। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे माकूल मुआहदे पसंद हैं। अगर आप रात के खाने पर ठहरे, ऐना गोल को नए सामान की जरूरत है। जब मैं दुंदार साहब को लेने आऊंगा तब तफसील से बात करेंगे। जैसे आपकी मर्जी उमर साहब। जैसे आपकी मर्जी। दुंदार साहब, एक तुर्क सरदार को दुश्मन तैगफूर के कले में पनाह लेना जेब देता है? उमर साहब, हम दोनों एक ही रास्ते पर गामसन हैं, अमन और तिजारत। खबरदार, मुझे खुद से मिलाने की कोशिश ना करो। मैं तिजारत करता हूं, लेकिन आपने तो अपने आप को भेज दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। मत कहें ऐसा, ऐसा कहकर मेरी तौहीन मत करें। जिन सरजमीनों पर आज आपने पना ली है, कल ये अपने असल मालिक की हो जाएंगी, मत भूलें। जब वो वक्त आएगा तो उस्मान साहब के बजाय आप मुझे अपने खिलाफ पाएंगे। मैं निकोला की तरफ गया था, हमारे कुछ तिजारत के मामलात हैं, मैं वही देखने गया था। अल्लाह आपकी तिजारत में बरकत दे। मैंने वहां दुंदार साहब को देखा। निहायत अफसोस के साथ मुझे एहसास हुआ, दुंदार ही उस अंगूठी का मालिक है। यकीनन कोई शक नहीं है। निकोला ने 10,000 सिक्के तावान मांगा है। उस्मान साहब, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मेरी मदद के लिए जो कीमत अदा करेंगे वो वक्त पर अंगूठी ना देने की कीमत है। फिक्र मत करें उमर साहब, हम इस मसले को खुद ही हल कर लेंगे। तो फिर दोस्ती की कीमत क्या है उस्मान साहब?
हमारे दरमियान इस तलखी को खत्म करने की कीमत मुझे बताइए, मैं वो अदा करूंगा। क्या आप हमारे दोस्त बनना चाहते हैं? बिल्कुल उस्मान साहब, बिल्कुल ऐसा है। तो खुद को यहां आकर आपने तकलीफ दी है उमर साहब, मामलात बेहतर करने का एक ही तरीका हो सकता है कि मेरे मामलात के बीच में आप मत आए। अब जाइए, सलामती से अपने खेमे में जाए। ठीक है फिर, ऐसा ही सही। ठीक है, भाई सुंगूर। हुकुम सरदार। तमाम सरदारान को बुलाओ। खुदाई करने वाले इन दो मकामात को इस्तेमाल करते हुए सऊद में दाखिल होंगे। क्या मंगोल बारूद एक ही वक्त में फटेगा? बाजार में, मस्जिद में, दरगाह में और लंगर खाने में एक ही वक्त में। ऐसा धमाका कभी किसी ने नहीं देखा होगा। और उसी लम्हे हमारे सिपाहियों के दस्ते बेतरोज की दुकान से बाहर आकर सिपाहियों पर हमला करेंगे और मेरे साथ तीर अंदाज दस्ता घोड़ों पर सवार होगा जिनके साथ हमला करूंगा। और मैं? तुम। उस्मान जब अपने सिपाहियों के साथ कबीले से निकलेगा तो सबसे पहला दस्ता उसका इस्तकबाल करेगा, कबीला खाली हो जाएगा और तुम दूसरे दस्ते के साथ उस जगह को आग लगा दोगे कालानोस। तावान कबूल ना करने की ये वजह थी? उस्मान को मसरूफ रखने का इससे बेहतर कोई उजर हो ही नहीं सकता। और दुंदार? दुंदार जब हमारे तमाम काम खत्म हो जाएंगे तो उसे मारने का शर्फ मैं तुम्हें दूंगा कालानोस। वो निकोला या तो हमारा मजाक उड़ा रहा है या फिर वो गिनती भूल गया है। ये कैसा तवान है उस्मान साहब? वो माशी तौर पर हमला करना चाहता है। जो वो चाहता है अगर हम उसे दे दें तो हम कबीले के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ना ही जंग के नुकसान बर्दाश्त होंगे। और ये सोना उन सिपाहियों में तकसीम करेगा जिनको वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ऐसा करने से उसे खुशी मिलेगी, दरअसल यही वो चाहता है। तो फिर अगर हम तावान अदा नहीं कर सकते तो ये वाजे है कि हमें क्या करना है। हम इन्हें गोल जाएंगे और उस कले को निकोला और दुमदार के सरों पर गिरा देंगे। अब इसके अलावा करने को कुछ नहीं बचा उस्मान साहब। मेरी राय वैसे भी है ना गोल कले के बारे में बिल्कुल वाजे है। हाँ ये वाजे है। आपके ख्याल में हमें उनकी सांसें रोककर उनसे मुआसरा करना चाहिए। इसके लिए हमें और मजीद सिपाहियों की जरूरत है। ऊंची दीवारों पर हमला करने का आपको क्या लगता है कि कोई फायदा नहीं होगा? तो फिर बताएं हम मेरे बेटे के कातिल को कैसे मारेंगे? बताएं मुझे उस्मान साहब। निकोला ने बायोजा के बदले में जब कलूजा हिसार मांगा था हमने क्या कहा था आपको याद होना चाहिए। हमें याद है उस्मान साहब। कुछ ने कहा था हम वो कला हर किस नहीं दे सकते और कुछ ने कहा था हम काई सरदार को बचाते हैं। और फिर मैंने क्या किया था? आपने बायोजा को बचाया और कला वाले नहीं किया। इस बार भी ऐसा ही होगा। मैं दुंदार को कले से निकाल बाहर लाऊंगा और उस निकोला गीदड़ के कुछ भी हाथ नहीं आने पाएगा। दुंदार साहब पर मुझे भी शक था लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि वो इस हद तक जा सकते हैं। या अल्लाह, ऐसी परेशानी किसी को न दे मेरे मालिक। अब क्या होगा बाबा?
अब उसे निकोला को वो भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी जो वो चाहता है। जब तक दुंदार गद्दार जिंदा है तो कबाइल में उस्मान की कोई इज्जत नहीं होगी। बेचारे उस्मान साहब। तुम उदास क्यों हो रही हो? क्या एक सरदार के लिए ये बोझ बहुत ज्यादा नहीं है बाबा? ये उस्मान साहब का मसला है, हमें अपने बोझ की फिक्र करनी है। उस्मान साहब को उम्मीद थी कि हम उनका बोझ बांट लेंगे, उनकी उम्मीदों को ठेस पहुंची। बहुत देर हो गई बाबा, अब मैं इजाजत चाहूंगी। ठीक है, शब बखैर। जिस बात का डर था कहीं वो ना हो। आखिरकार तो तुम हमें मार डालोगे। जन्नत में हमारे मुकद्दस बाप मुंतजिर हैं। मैंने सोचा कि अगर तुम लोग जिंदा रहोगे तो ये मेरे लिए फायदा है। क्या तुम हमें आजाद कर दोगे? क्या चाहते हो इसके बदले में? दुंदार, वैसे तुम यहीं रुकोगे? एनागोल, तुम जाओगे निकोला से बात करने के लिए और दुंदार से खुफिया तौर पे मिलोगे, और तुम उसे उस दिन दुनिया फरार होने पर कायल करोगे और उसे यहां ले आओगे। अगर मैंने निकोला को कायल कर भी लिया तो मैं दुंदार साहब को किस तरह कायल करूंगा? निकोला से और दुंदार से जो कहना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं और मेरा क्या होगा? अगर तो मेरा काम हो जाता है तो तुम पादरी के पास जा सकते हो और तुम मेरी तरफ से उसके लिए खत लेकर जाओगे। लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो इस पेत्रोस का सर मैं खुद पादरी की तरफ भिजवाऊंगा। हम तुम्हारी बात पर एतमाद करते हैं। अगर तुम्हारी यह पेशकश है, हम सुन रहे हैं उस्मान साहब। अच्छा है तो फिर जरा गौर से सुनो। निकोला, निकोला, तो फिर दुंदार ने तुम्हारे पास पनाह ले ली है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? एक गद्दार को सिर्फ एक दुश्मन ही बाहों में ले सकता है। कुछ गलत कहा क्या? अफसोस की बात है कि हमारा सबसे वफादार जासूस अब काम नहीं करेगा।
हमें उसकी जरूरत ही नहीं होगी। जिस दिन मैं सोउथ हासिल करूंगा, बितिनिया से तुर्कों का तसल्लुत खत्म हो जाएगा, उस्मान का काम तमाम हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। तो फिर मुझे जाकर दुंदार से बात करने दो। मुझे पता है कि मालूमात का आखिरी टुकड़ा क्या होगा जो मैं उसके मुंह से निकलवाऊंगा। पेत्रोस कहां है? वो पोप के नायब से मिलने इज़नेक रवाना हो गया है, वो जल्द वापस आ जाएंगे। हाँ। इजाजत चाहूंगा टेक फॉर निकोला। जो कुछ हुआ मैंने सुना दुंदार साहब। क्या गजल की कोई खबर है? बदकिस्मती से हमारे पास गजल खातून से ज्यादा अहम मसाइल हैं। गजल को क्या हुआ है? उस्मान साहब ने गजल खातून को कबीला बदर कर दिया है। उसने उन्हें उनके भाई के पास भेज दिया है। गजल, फिक्र ना करें, जब मैं आपको कुस्तुंतुनिया लेकर जाऊंगा तो गजल खातून हमारे साथ होंगी। पेत्रोस ने सब इंतजाम कर लिए हैं। इसका क्या मतलब है? मैं यहीं रुकूंगा और अपने हक के लिए लड़ूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। क्या मुझे तुम कुर्बान करना चाहते हो? हम नहीं दुंदार साहब, आपको जो कुर्बान करना चाहता है वो निकोला है। क्या मतलब है तुम्हारा? निकोला ने उस्मान के तावान की पेशकश को कबूल कर लिया है। ये नामुमकिन है, नामुमकिन। जो उस्मान ने आपके तावान की कीमत मुकर्रर की है तो आप समझ जाएंगे कि ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है दुंदार साहब, हमें अभी एक दूसरे की जरूरत है। उस्मान की तरफ से दिए गए सोने के एवज निकोला आपको अपने इंतकाम की खातिर कुर्बान भी कर सकता है। मैं उसे मार दूंगा, मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा उसे। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो यहां से कभी नहीं निकल सकते। तुम मेरे लिए अपने आप को खतरे में क्यों डाल रहे हो? अगर निकोला ने आपको उस्मान के हवाले कर दिया, इसका मतलब है कि हमारा काम भी तमाम। इसके अलावा पापा आजम के मकासिद की तकमील के लिए इन सरजमीनों में हमें आप जैसे ताकतवर सरदार की जरूरत है दुंदार साहब। तुम मुझे इस किले से बाहर कैसे निकालोगे? मेरी बात गौर से सुने और उस पर अमल करें। क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं। क्या हो रहा है यहां?